अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शायमास कॉर्नर पर। जैसा कि आपको दिख रही है ये प्यारी सी सुंदर सी तितली, ये हमने बनाई है सीमेंट से। तो प्लांट्स के अलावा भी हमें अपने गार्डन में कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा गार्डन और खिला खिला लगे। तो देखिए ये प्यारी सी बटरफ्लाई कितनी खूबसूरत लग रही है, और इसको मैं बताती हूँ आपको मैंने कैसे बनाया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस देखिए घर पर पड़ी यूज़लेस चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का कार्डबोर्ड चाहिए जो बीच में से हमने बेंड किया है, एक ऐसे पॉलीथीन चाहिए हमें, कुछ मेटल वायर चाहिए थोड़ा सपोर्ट देने के लिए, और एक हमने जो बटरफ्लाई आपको दिखाई थी अभी जो हमने ड्रॉ की हुई है वो, सीमेंट चाहिए इसके लिए। सबसे पहले हम सीमेंट में पानी डाल के थोड़ा सा एक थिक पेस्ट बनाएंगे इसका, जो थोड़ा हार्ड हो, एकदम सॉफ्ट नहीं बनाना है, क्योंकि सॉफ्ट पेस्ट अगर हम बनाते हैं तो हमारी बटरफ्लाई फैलती है और सीमेंट लूज़ हो जाता है और बटरफ्लाई इस शेप में नहीं आएगी, इसलिए इसको हमें थोड़ा हार्ड रखना है। और इस तरह से देखिए पूरा मैंने एक सरफेस बना लिया है सीमेंट से, और ये जो हमने ड्रॉ करी थी बटरफ्लाई एक पेपर पर, उसको इसकी शेप देने के लिए हमने इस पर रख लिया है। ये थोड़ा सा हमारा सीमेंट कम पड़ गया इसलिए हम यहाँ पैच लगा रहे हैं इसमें। दोनों साइड इसी तरह से करेंगे हम, बहुत इजी है। अगर थोड़ा सा सीमेंट, ज़्यादा सीमेंट भी यूज़ नहीं हुआ इसके अंदर, और इतना प्यारा सा क्राफ्ट बन के तैयार हो गया हमारे गार्डन के लिए। बहुत कम चीज़ें यूज़ हुई हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर बनने के बाद, सिर्फ इसमें वॉल पुट्टी से मैंने इसको बेस, इसका कोट, सरफेस को चिकना करने के लिए बस उसकी एक लेयर इस पर चढ़ाई है। फिर हमने फैब्रिक के एक्रेलिक कलर जो होते हैं उससे इसको कलर किया हुआ है। बस छोटी सी मेहनत के बाद देखिए हमारी कितनी प्यारी सी बटरफ्लाई तैयार हो गई है।
गलती से कुछ क्लिप मिस हो गई थी इसलिए मैं आपको बताती हूँ। इसको टांगने के लिए हमने एक मेटल वायर से हुक बनाया था जो हमने सीमेंट से अटैच किया है इसके अंदर, और इसको फैब्रिक कलर से मैंने इसको पेंट किया है।